नागपुर के केटी नगर में महानगर पालिका द्वारा निर्मित 100 बेड्स के कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन सांसद नितिन राउत के हाथों किया गया। उद्घाटन में राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस, सांसद नितिन गडकरी, महापौर दयाशंकर तिवारी, विधायक परिणय फुके सहित अन्य मान्यवर मौजूद थे। आज या ठिकाणी पश्चिम नागपूरमध्ये केटी नगरच्या भागामध्ये नागपूर महानगरपालिकेने ही सगळी इमारत या ठिकाणी उपलब्ध करून दिली आहे आणि या ठिकाणी आमदार परिणय फुके यांनी त्यांच्या चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून हे हॉस्पिटल सुरू केलं आहे। हे हॉस्पिटल सुरू करण्याकरता या ठिकाणी ऑक्सिजनेटेड बेड्सची आवश्यकता होती। माननीय गडकरी साहेबांनी 50 सिलेंडर्स हे या ठिकाणी उपलब्ध करून दिले, त्यामुळे हा जो काही पश्चिम नागपूरचा बाहेरचा भाग आहे या भागातल्या पेशंट्स करता ही एक अत्यंत महत्त्वाची जागा या ठिकाणी तयार होते आहे। याचं रूपांतर 100 बेड्समध्ये होत आहे आणि त्यातनं मला असं वाटतं की आत्ता जो की अडचण लोकांना होती आहे त्यातनं निश्चितपणे लोकांना या सुविधेचा फायदा होईल। नागपूर से ऑक्सिजन अकोला, वाशिम, अमरावती, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, छिंदवाड़ा तक जाना है। अभी तक हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन का टोटल जो कोटा मिला है वो भिलाई से पहले 60 टन का मिला था, अब 110 टन का हुआ और जो सेल करके कम तो वहाँ दूसरा है वहाँ से 30 टन का, ऐसा 140 टन का कोटा हमको भिलाई से मिला है। और भिलाई से ये कोटा लाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास जो गाड़ियाँ थी जो प्राइवेट कंपनी की बिजनेस से 4 गाड़ियाँ निकल गई, एक 2 गाड़ियाँ दिल्ली चली गई वापस और 2 गाड़ियाँ छत्तीसगढ़ सरकार ने उनको अपने काम करने लेके गए, तो 7 में से 3 ही गाड़ियाँ रही जो हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे। श्री पैरे खान जी ने हमें मदद की और अभी 7 गाड़ियाँ उन्होंने लगाई, तो ये करीब 140 टन अगर ऑक्सीजन भिलाई से पूरा हम ला सकेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ जो आइनॉक्स कंपनी है वो 80 टन ऑक्सीजन हवा से तैयार करती है। हमारी रोज़ की रिक्वायरमेंट पूरे नागपुर और विदर्भ की ध्यान में रहते हुए 200 टन ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत है। हम भिलाई से ऑक्सीजन जो लाते थे उसके ट्रांसपोर्ट करने में देरी हो रही थी, उसमें ध्यान में यह आया कि कल रात को मैंने जिलाधिकारी के साथ इसमें काम करने सभी लोगों की चिंता की और अब ये ट्रांसपोर्ट का पूरा जो मॉनिटरिंग है वो पैरेखान जी के कंपनी को दिया है। यहाँ आने के बाद गाड़ी को 3-3, 4-4 घंटे समय नहीं लगना चाहिए, तुरंत उसने ऑक्सीजन निकाल कर वापस भिलाई जाना चाहिए क्योंकि संख्या कम है। हमने 2 टैंकर बेल्लारी से लाए हैं सर्जन जनरल को जे एस डब्ल्यू से उनसे रिक्वेस्ट करके और बाकी विशाखापट्टनम से लाए हैं और भी हम कोशिश कर रहे हैं और टैंकर मिलेंगे, पर हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि उसकी मूवमेंट जल्दी होनी चाहिए। इसके बारे में यहाँ 20,000 सिलेंडर अभी हमारे पास नागपुर में है, उसमें 10,000 सिलेंडर खाली रहते हैं और 10,000 सिलेंडर हम प्राइवेट हॉस्पिटल को दे रहे हैं। ये जो प्लांट है इसमें भी विश्वेश्वरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल को कल रात को मैंने फ़ोन करके इस प्लांट में कभी पावर का प्रॉब्लम आता है, कभी मैकेनिकल का प्रॉब्लम आता है, इस प्लांट के बारे में भी कहाँ हमको क्या सपोर्ट देना चाहिए इसके अध्ययन करने के लिए आज उनकी टीम को भेजना सब जगह भेजने की बात की है। अरे खान जी अब इसका ऑपरेशन जो है वो पूरा कलेक्टर ऑफिस में करेंगे और मेरे विश्वास है कि अगर हमको मिला हुआ ऑक्सीजन अगर ला पाएंगे ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है वो NCB वेंटिलेटर्स बड़े प्रमाण पर विदर्भ के सभी तालुका तक एटापल्ली सिरोज का हेली तक पहुँचा रहे, वो भी डिलीवरी आने में अड़चन होती है। आज ही अमरीका से डॉक्टर शाह करके हैं, उन्होंने 1100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट देने की बात की है और एयर इंडिया के विमान से फ्री ऑफ चार्ज नागपुर तक आए ऐसी कोशिश हम कर रहे हैं। संकट गहरा है पर अब आने वाले कल से ऑक्सीजन का संकट नहीं रहेगा और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। एक पेशेंट कोई 20 लीटर ऑक्सीजन लेता है, कोई 5 लीटर लेता है, उसके परिस्थिति पर यह डिपेंड होगा। तो रेशनिंग का कोटा जैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वैसे ऑक्सीजन का नहीं हो सकता। और दूसरा ऐसा है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सुविधा नहीं है तो लोगों का एडमिट है मत मत करो, इस प्रकार की भूमिका लेना उचित नहीं है। हाँ एक बात जरूर है कि जनता ने यह समझना चाहिए कि हम प्रतिकूल परिस्थिति में काम कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन की कमी है, दवाई की कुछ जगह कमी है, डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है, तो थोड़ी सी अड़चनें आ सकती हैं,
और लोगों की जान बचाने के लिए हम लगातार एक्सपांशन कर रहे हैं बेड्स का। हमारे पास पूरी व्यवस्था कभी है कभी थोड़ी कम है, फिर भी कर रहे हैं क्योंकि लोगों का प्राण न जाए, लोग कहीं ऐसा ना हो कि वो बेचारे किसी इसमें कोई मदद के बिना उनका मृत्यु हो, तो ये थोड़ा सा लोग भी इसको सहयोग करें। और सबसे अच्छी बात यानी जो दवाई थी कौन सी देसी रेमडेसिविर, तो उसके बारे में मुझे खुशी है कि उसका कल से प्रोडक्शन शुरू हो रहा है और 30,000 रेमडेसिविर को रोज के मिलेंगे और हमने वर्धा में और उसके टीम हैदराबाद से कल आई है, ट्रायल शुरू है, कल प्रोडक्शन पर जाएंगे ऐसी उम्मीद है। तो 30,000 जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम लोग नागपुर शहर जिला और विदर्भ के 9 जिलों को देंगे, फिर महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी उनको भी देंगे और इसकी अब कमी नहीं रहेगी। तो ऑक्सीजन के कारण भी हमारी समस्या थी, उसमें 5-7 हॉस्पिटल में हमने CSR में हवा से ऑक्सीजन तैयार करने की तैयारी कर ली है, तो ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा, सिलेंडर का प्रेशर कम होगा, हमने सिलेंडर भी 300 लाए हैं आज इस हॉस्पिटल के लिए, 50 सिलेंडर हमने दिए हैं, करीब 40 सिलेंडर पकवासा के लिए दिए हैं, 15 सिलेंडर सावनेर में रोटे करके हॉस्पिटल में भेजे, 10 सिलेंडर ब्रह्मपुरी में भेजे हॉस्पिटल के लिए, और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है उनका ईमेल करके मैं लगातार संपर्क में हूँ और हम लोग सब प्रकार की मदद कर रहे हैं। एक ही मेरे फिर से अनुरोध है कि इस समय हमारे सभी लोग डॉक्टर नर्स राजनीतिक कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता ये सामाजिक सेंसिटिवनेस संवेदनशीलता का परिचय दें, एक दूसरे को मदद करें, संकट गहरा। और दूसरी बात मुझे आपसे ये कहनी कि हम एक दूसरे को मदद करते समय ये भी बात ध्यान में रखें कि हम खुद को प्रोटेक्ट करें, जो सरकार ने नियम दिए उसका पालन करें। मुझे विश्वास है कि कल एक अच्छा साइन आया है क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ाने की आवश्यकता है, कल अच्छा साइन यह है कि हमारे इसमें से कल रात तक पेशेंट जो कोविड ग्रस्त की संख्या काफ़ी बड़े प्रमाण में कम हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 3-4 दिन में नॉर्मल होगा, लोगों ने हिम्मत रखनी चाहिए, हौसले बुलंद रखने चाहिए और इस संकट पर हम बात करके निश्चय आगे निकल जाएंगे, इसी विश्वास के साथ आप अपनी चिंता करिए, यही सब।